हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम देखेंगे आज एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है कि एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है, फिर एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, फिर एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी है। ठीक है, अच्छा पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो उसमें हमने देखा था कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फिर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, फिर हमने देखा था कि वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो चलिए आप शुरू करते हैं हम एक्सेलरेशन। तो देखिए, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। acceleration is equals to होता है change in velocity upon time taken, ये होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखते हैं यहाँ पे कि चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है। ठीक है, चलिए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है डेल वी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को डेल वी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी मीन्स वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू। ठीक है, यहाँ पे डेल वी होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब इसी को यहाँ उठा के पुट करते हैं। तो देखिए, एक्सेलरेशन मीन्स ए इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन टी, ये होगा, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं डेल वी को वी माइनस यू अपॉन टी। तो जब भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो हम कहते हैं कि डेल वी बाई टी या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ये होता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम अगर इसके बाद की बात करें तो कुछ चीज़ें और हमें देखनी होंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये आपने देखा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन, फिर ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक, अब हम इसमें कुछ नोट्स देखते हैं। चलिए, नोट में फर्स्ट हम ये बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकेंड, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड की बात करें अगर, तो थर्ड देखिए हम अब इसके यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है SI यूनिट और दूसरी होती है CGS यूनिट। ठीक है, हम अगर देखें यहाँ पे कि एक्सेलरेशन हमने देखा था कि डेल वी बाई टी होता है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी का हमने देखा था कि ये होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। तो अगर SI यूनिट की बात करें एक्सेलरेशन की, तो ये होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। वहीं पे अगर CGS यूनिट की बात करें तो ये होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखा क्या, हमने ये देखा
कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला लिखना हुआ तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये होता है एक्सेलरेशन। फिर इसमें हमने नोट देखा कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर देखा कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। फिर इसके बाद हमने देखा एक्सेलरेशन की यूनिट के बारे में, तो यूनिट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक एसआई में दूसरा सीजीएस में। एसआई में एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और सीजीएस में होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के, कि एक्सेलरेशन कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी। सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ये होता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, यहां पे ध्यान रखना इंक्रीजेस, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, मीन्स उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे ये कि अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट देखिए, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करो, तो जैसे ही उसको आप ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है, तो उसके वेलोसिटी को हम बोलते हैं, मतलब उसके एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल की अगर बात करें तो आप एक इंक्लाइंड प्लेन ले लीजिए, जैसे अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ऐसे, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखिए तो ये जब नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या था कि ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड अनइक्वल अमाउंट में बढ़ रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ क्राउडेड रोड, जैसे आप भीड़ भाड़ रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी स्पीड कभी बढ़ती है कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेट होता है मीन्स एक्सेलरेशन आता है उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे रिटार्डेशन की। तो देखिए रिटार्डेशन होता क्या है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन,
ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं। और आप इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, और आपका फ्रेंड साइकिल के कैरियर को पीछे पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, तो आप तो आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं लेकिन आपकी साइकिल पीछे जा रही है, मीन्स वहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, ये है। तो हम लिखेंगे अब रिटार्डेशन, ठीक है, ये रिटार्डेशन। देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है, इतना। आगे व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड वी से इट इज एक्सेलरेटिंग। देखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो, कुछ भी हो, आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है। मीन्स जब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब तब हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मे इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वी से दैट द बॉडी इज आइदर एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड। हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड के घटने बढ़ने के ऊपर ही एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों डिपेंड करता है, ठीक है। हम यहाँ पे ये चीज़ जानते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मीन्स एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कम हो रही है मीन्स रिटार्डेशन, ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। अब आगे की बात करते हैं, कुछ ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज्ड इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, जिसको हम नाम दे सकते हैं रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है होगा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम रिटार्डेशन की, अगर रिटार्डेशन निकालना हुआ तो रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं। तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला वही होता है जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीन्स दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। चलिए देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, ये होता है रिटार्डेशन को आप यही रहने दीजिए। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल वी अपॉन टी, डेल वी को लिखेंगे वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या चीज़ें देखते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए, मीन्स वी माइनस यू की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो हम बोलते हैं कि ये रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। अगर v माइनस यू की वैल्यू निगेटिव तभी आती है जब u ज़्यादा हो और v कम हो, ठीक है, मीन्स ये ज़्यादा हो और v कम हो, उसी टाइम रिटार्डेशन आता है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव तभी आती है, इतनी बातें समझ में आई। अब यूनिट की अगर बात करें तो हम फिर से वही बात करेंगे
कि इसमें भी यूनिट को दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो एसआई में, दूसरा सीजीएस में, ठीक है। ये तो एसआई में इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, सीजीएस में यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हाँ चलिए अब रिटार्डेशन का एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अब देखिए क्या होता है कि कोई कार मूव कर रही है, ठीक है। अगर कार मूव कर रही है और उसको आप ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो कार की स्पीड धीरे 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 कम होते जाती है, तो कम होते जाती है ब्रेक लगाने के कारण। तो हम ये समझेंगे कि जब भी मूविंग कार या मूविंग बाइक या साइकिल कुछ भी मूव कर रहा है जो, अगर हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस पर एक एक्सेलरेशन भी आता है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसीलिए उस एक्सेलरेशन का नाम होता है रिटार्डेशन। तो उम्मीद है कि आपको एक्सेलरेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा और रिटार्डेशन भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डेराइव करते हैं, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है, ठीक है।